हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एनके। दोस्तों, आज मैं हूँ श्रीनगर के डल लेक पर। आज मैं कश्मीर की बहुत ही बेहद आकर्षक स्थल डल झील की यात्रा पर हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती और संस्कृति को खोजने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डल झील श्रीनगर का गहना मानी जाती है। 26 किलोमीटर वर्ग में फैली यह झील पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है। यह सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच में स्थित है। शिकारा नाव की सवारी, हाउस बोट और झील के बाजार जैसी सुविधाएं इस जगह को पर्यटकों के बीच पसंदीदा बनाती हैं। श्रीनगर हमेशा गर्मियों में घूमने के लिए एक सुखद स्थान रहा है, इसलिए यह मुगलों और अंग्रेजों की पसंदीदा जगहों में से एक है। डल झील पर हाउस बोट का आनंद पर्यटक ले सकते हैं। बता दूं कि डल झील पर हाउस बोट की अवधारणा अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी, जिसने पर्यटन को बढ़ावा दिया। जब कभी भी आप श्रीनगर की यात्रा करने की योजना बनाएं, तो अपनी लिस्ट में डल झील को सबसे पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि यहाँ सबसे सुंदर और मन को लुभाने वाली अगर कोई झील है तो वह है डल झील। तो आइए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। डल झील की श्रीनगर की यात्रा करते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से डल झील की दूरी लगभग 18 से 19 किलोमीटर की है। तो आप एयरपोर्ट से उतरकर टैक्सी हायर कर और डल झील तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमने ये शिकारा नाव 2500 रुपये के किराए पर ली है, जो चार चिनार तक जाएगी, जिसकी दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर की है। और वहाँ से हम वापस टर्न लेंगे और फ्लोटिंग मार्केट और मीना बाज़ार होते हुए वापस हम जो डल लेक का एंट्री गेट है उस पर हम वापस आएंगे। तो लगभग हमारा 35 किलोमीटर या 34 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रहेगा इस लेक पर। डल झील में पानी के आकर्षण में हाउस बोट की स्थिर नौकाएं हैं, जो कि झील घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए आवास के रूप में उपयोग की जाती है। हाउस बोट डल झील के मनोरम दृश्य के साथ साथ झील के नज़दीक पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लकड़ी की बनी यह जटिल नक्काशी और पुष्प की आकृति की होती है। पर्यटन विभाग द्वारा वर्गीकृत किए जाने वाले यह हाउस बोट एक साधारण कमरे के चक्कर से लेकर विशाल आलीशान सुइट्स तक हो सकते हैं। इनके अंदरूनी भाग को कश्मीरी क्रिस्टल झूमर, कालीन और आलीशान फर्नीचर के साथ सुंदर ढंग से सजाया जाता है। डल झील में स्थित हाउस बोट्स का सही मजा घर से पकाए गए स्वादिष्ट भोजन, वाईफाई, गर्म टब जैसी सुविधा के लिए खास है। डल झील शब्द क्षेत्रीय भाषाई और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कश्मीरी भाषा में डल शब्द का मतलब ही झील होता है। बाद में डल के साथ अलग से झील शब्द आम बोलचाल के प्रवाह में जोड़ दिया गया, फिर यह डल झील के नाम से जाने लगा। डल झील को कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ के बगीचों की सुंदरता देखते ही बनती है।
शिकारे में बैठकर तैरती हुई फ्रूट चाट की दुकानों से फ्रूट चाट खरीदकर खाने का अलग ही आनंद है। इन तैरती हुई दुकानों से आप कुछ विंटेज कलेक्शन भी क्रय कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डल झील में स्थित है। यह पोस्ट ऑफिस ब्रिटिश काल में बनवाया गया था, जो 200 साल पुराना है। आज भी यहाँ पोस्टमैन शिकारा किराए पर लेकर इसमें सफर करके रोज 100 से 150 चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। यह पोस्ट ऑफिस एक हाउस बोट में है। इसमें दो कमरे हैं, जहाँ एक कमरे में पोस्ट ऑफिस चलता है, वहीं दूसरे में संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें प्राचीन डाक टिकटों को संग्रहित किया गया है। रूपालंक या रूपालंक भी कहा जाता है। यह चार चिनारी टापू डल झील के मध्य में स्थित है। मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने रूपालंक का निर्माण करवाया था। चिनार के पेड़ विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय में उगते हैं। ये कश्मीरी परंपरा का एक अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कश्मीर के लगभग हर गांव में एक चिनार का पेड़ पाया जाता है। यह पेड़ सदियों से जीवित है, क्योंकि चिनार मूल रूप से लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। यह पर्याप्त पानी वाली ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला हुआ है। हम पहुंच चुके हैं चार चिनार टापू पर। यहाँ चिनार के चार पेड़ हुआ करते थे, जिनमें से दो पेड़ अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन्हें पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और चिनार के दो पेड़ अभी भी ये इस टापू पर मौजूद है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ आप कुछ समय के लिए रुककर चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं।
चिनार टापू पर कुछ पल व्यतीत करने के बाद हम वापस अपनी सिकारा नाव में बैठे, जहां से हम वापस फ्लोटिंग मार्केट की ओर जाने वाले हैं। फ्लोटिंग मार्केट के नज़दीक ही मीना बाज़ार भी स्थित है। यह फ्लोटिंग बाज़ार और मीना बाज़ार दोनों ही नाव में दुकानें सजी हुई है। यहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है यहां का। दोस्तों, यह थी मेरी डल लेक श्रीनगर की यात्रा। आपको यह यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।